इस वास्ते विश्वामित्र मुड़ वशिष्ठ के पास आउंदा सी मन विच डर के भी किते एक बारी तो मैनू ब्रह्मरखी आखे पर उन्हें एक बारी भी ना आखे सौ बारी आए सौ बारी आखिया राजरिखी ते सौ पुत्र मार दिता विश्वामित्र वशिष्ठ का हूं चुप के सुनने लगा मेरी बड़ी निंदा करते हो मैं इन्हों का सौ पुत्र मारे है खबर नहीं है मेरे मारन वास्ते की प्रबंध सोचते हो किसी रात लुक के खड़ोता विश्वामित्र से घरवाली पुछदी है वशिष्ठ नू महाराज इस वेले कौन ऋषि बड़ा प्रतापी कौन है जिसकी बड़ी तपस्या है उन्हें आखिया ऋषि ऋषि विश्वामित्र है क्योंकि भावे दुश्मन भी हो गए दुश्मन भी होवे पर जे तारीफ का वेला आवे तो तारीफ उसकी भी करनी बनती है मावे उसने साडा सौ पुत्र मारे है पर फिर भी मैं जो देखता हाँ तो ऋषियों चो बड़ी तपस्या विश्वामित्र की है विश्वामित्र सुन के प्रसन्न हो गया तो मैं इन्हां नाल की कीती ए मेरी फिर भी तारीफ कर रहे हैं तो जग सामने आ गया उस वे वह शाही साथ विच नहीं थी आंदे नू वशिष्ठ महाराज ने देखिया कि आखिया आओ ब्रह्मरखी विश्वामित्र ने आखिया जे ऐनी गल पहला चा कहो एडा विसाद क्यों मैं तुहाडे इतना वैर क्यों पैंदा मैं सौ पुत्र तेरा मार दिता सौ वारी आया तू मैनू एक वारी भी ब्रह्मरखी ना आखिया ते हुण क्यों आखिए उन्हें आखिया मैं तैनू जिस रंग विच वेखदा सां वो कुछ कहता सस वेले तू सास वास तो बिना आया इस वास्ते मैं तेन ब्रह्म रिखी आखिया मैं तो जो कुछ देखा उ कुछ कह रहा फिर भी मैं बड़ा प्रसन्न होया तू तो मैनू ब्रह्म रिखी आखिया मंग की दे तू अपने मूहो मनिए भी मैं बड़ी तपस्या वाला हां जो मंगेगा मैं देंगा मंग रिखी मैं तेनू की दें मैं चाहता मैं तेरा सौ पुत्र मारे है मैं तेरे बड़ा वैर पिया रहा हां उस अपने वैर की हूं मैं तलाशी चाहता हूं तेरे नाल प्यार करना चाहता भुल जा उस मेरे वैर नू मैं तेरे सौ पुत्र मार बैठा हां सोली भरनी चाहता मंग की मंगने बस इसने आखिया महात्मा तो मंगना नहीं चाहिए क्योंकि असि छोटे कोई छोटी चीज मंग पवाने वड्डियां कोलों मंगण वास्ते मुंह ना खोलिए वड्डियां ते छोड़ दे वो जो आपे देंगे तो कोई वड्डी शह देंगे इस वास्ते स्वामी मैं मंगदा कुछ नहीं जो कुछ देना चाहते हो आपे ही दे दूने आखिया अच्छा मेरे उत्ते गल सुटी मैं तेरा सौ पुत्र मारे है हुण मैं तैनू कुछ देना चाहता हां लिया पानी चुली वर के करा संकल्प जो कुछ देना वह मूह कढ़ा वर के चुली पानी दी विश्वामित्र ने आखिया बस इस रिखी मैं तैनू सौ साल की तपस्या का फल दिना सौ वरे की कीती तपस्या मैं तैनू दिती बहुत अच्छा महाराज कहिंदा खुश है एडा फल दिता है तैनू सौ साल की कीती तपस्या मैं तेरी भेटा कीती है जिस वे जान लगा तो वशिष्ठ ने आखिया स्वामी गृहस्थी के घर आयो अगे तो वाला आए तो गुस्से नाल चले गए हूं तो वातावरण प्यार दा है इस वास्ते खाली अस्सी ना जाओ कुछ भेटा तो मेरे को भी ले जाओ गृहस्थी के घर विच आयो गृहस्थी का धर्म है महात्मा घर आवे उसकी यथाशक्त भेटा कर खाली अस्सी ना जाओ कुछ बेटा हाजिर कर दा और ले जाओ कृपा करे अच्छा भाई विश्वामित्र बैठ गए वशिष्ठ महाराज ने मत्था टेकिया आखिया स्वामी मैं तुहाडी भेटा सतसंग दी अद्धी गड़ी का फल करदा अद्धी गड़ी सतसंग का फल क्योंकि मैं गरीब हां मेरे को बहुत कुछ नहीं आ थोड़ा जिहा जो कुछ बन सर आया मैं तुहाडे अगे रखे तुसी बड़ी कृपा कीती है सौ साल की तपस्या दिती है भाई तुसी वड्डे जो हो तुसी धनी जो हो तुसी देण जोग हो
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਚਰ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੂੜ ਵਾਂਚਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਚਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਡੋਬਨ ਕੀ ਰੀਤ ਭਾਗਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਲੀਤ ਮੈਂ ਹੁਜਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੈ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਿਆ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਆਏ ਹਨ ਵਸਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਦ ਬੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਪਾਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਰੱਬ ਤੁੱਠੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਰਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੂਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਿਓ ਟਾਲ ਦੇਵਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਫੁਰਫਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਮਦੀ ਹਨ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਮੇ ਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਕਿਆ ਅੱਧੀ ਗੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਵੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
है ये भी बड़ा ऋषि मैं मनदा हूं, पर देने वेले इसने नहीं सोचा कि मैं विश्वामित्र की निरादरी कर दिया की दिता सू अजी गड़ी सत्संग का फल। महाराज तुम फैसला करो कौन सच्चा है कौन झूठा, उन्हें भी यही कुछ सोचा एक झूठा एक सच्चा कर ये शराप जरूर देने। कह लगा महाराज गल है मैं अज कटूरा बहुत पी बैठा ये सिर पिया चकरांदा मैनू तो गल की पूरी समझ ही नहीं आई। जिन्हें समझी नहीं गल फैसला की करे अज मैनू माफी दो फिर कदे सही। आखन लगे नहीं असी तो फैसला हुणे चाहुंदे फिर हुणे चाहुंदे हो ते तकलीफ करो थोड़ी जी केड़ी भगवान विष्णु दे पास चले जा नेड़े ही बैठे विष्णु दे पास आ गए। दोवां ने जिस वेले अपनी गल सुनाई तां विष्णु महाराज भी सोची पै गए कि फैसला करिए इन्हां दा। सोचिया मैं अपने मुंहों कुछ ना आखा कोई ऐसी तरकीब करा इन्हां नूं पता लग जाए। कहण लगे अच्छा तुसीं इस मुकदमे दे कागज मेरे मुंशी नूं पढ़ा दिओ सारे, वो पढ़ लवेगा फिर मैनू दसेगा मैं फैसला लिख दिया। कौन है तुहाडा मुंशी? कहण लगे शेषनाग। बहुत अच्छा शेषनाग दे पास आए वह धरती सिर ते जाई बैठा अखा के इशारे नाल उसने नमस्कार की आओ आओ रब दे प्यारे आओ प्रभु दे प्यारे धनवाग तुहाडे दर्शन होए हुक्म करो। हसिया साडा मुकदमा है आ जरा तू समझ लै ते फिर भगवान तो फैसला लै दे। ओके भगवान कहिंदे ने मेरा मुंशी है बहुत अच्छा हुक्म करो। तां दोवें बैठ गए दोवां ने गल सुनाई। कहण लगा समझ पूरी नहीं आई क्योंकि मेरे सिर ते है पृथ्वी का बोझ कुछ तो मैं गल सुनी है ते कुछ सुनी नहीं कुछ समझी है कुछ नहीं समझी जरा चंगी तरह समझा दो। फिर पहला एक काम करो करके अपनी किसी शक्ति नाल जरा धरती संभाल रखो ते मैं थोड़ा जि सुख का सह ले लें ते फिर सुन के फैसला मैं ही कर देंगा भगवान नूं तकलीफ देने की लोड़ ही नहीं तू फैसला कर देवेगा कि हां गल ही वड्डी कोई नहीं। विश्वामित्र ने आख्या बहुत अच्छा कर फैसला आके जी पहला जरा तो मेरे सिर तो धरती का भार उतारो। विश्वामित्र ने पानी की चुली भर के संकल्प किया आख्या धरती मैं तेनू 100 साल की तपस्या का फल दिना तू ठहर जा। शेषनाग जरा के पासे होने लगा से धरती हिल गई आखिया प्रभु से बल थोड़ा है होर दे। हौली हौली दिंदिया 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 विश्वामित्र ने जितनी तपस्या की थी सारा फल दिता पर धरती न खड़ोती होर कुछ दियो अजे भी थोड़ा है। अच्छा मैं तो सब कुछ दे बैठा तो उसने वशिष्ठ वल तकिया महाराज तुसी कोई अपना बल लगाओ कोई जोर लगाओ धरती नूं जरा सखमो ते मैं फैसला दे दें। बस इतने कि आए धरती माता मेरे कोल तां अद्धी घड़ी सत्संग दा फल है मैं गरीब हां मेरे कोल बहुत कुछ नहीं। विश्वामित्र स्वामी तां बड़े होए ना इन्होंने बड़े युग तपस्या की और इन्होंने सारा फल दिता तैनू नहीं प्रवान होया मैं किस दावे से आखा कि हम तू मेरे बल नाल खड़े हो जा पर जो कुछ मेरे को है वो हाजिर है। पर तुली पानी की संकल्प किया आखिया धरती माता मैं अद्धी गड़ी सतसंग का फल दिना। जिस वेले सतसंग की अद्धी गड़ी का फल दिता शेषनाग पासे हो गया धरती अडोल खड़ो गई। हूं शेषनाग कदे विश्वामित्र देखता कदे वशिष्ठ देखता ऐसा स्वामी फैसला हो गया है कि मैं करा। विश्वामित्र ने आख्या हो गया फैसला हो गया तेरे फैसला करने की लोड़ नहीं फैसला हो चुका मैं तपस्या नूं अज ताई बड़ा कुछ समझदा रहा था अज मेरिया अखा खुलिया कि नहीं सतसंग भी करी। विश्वामित्र के पैर
ਪਲਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਵਸਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਇਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਵਸਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੋਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।